पूरे पंजाब दे विच अपनियां मंगां नूं लै के अध्यापकां वल्लों रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो तुहानूं दस दईए कि अज तड़कसार तकरीबन सवेरे 5 बजे एक नौजवान संगरूर विच अपनियां मंगां नूं लै के सरकारी होस्पिटल की टैंकी के उपर चढ़ गया। तुहानूं दस दईए कि मनीष कुमार नाम का नौजवान जिहड़ा कि रुजगार की मंग कर रहा है, तो वह रुजगार की मंग करते हुए सरकार के उपर अपना गुस्सा जाहिर करदे आ पानी वाली टैंकी उपर चढ़ के पंजाब सरकार और विजेंद्र सिंगला के खिलाफ लगातार जिहड़ी नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन उत्थे पहुँच चुका है तो नौजवान दे नाल जिहड़ा राबता करन दी कोशिश कर रहे हैं। संगरूर तो आजाद टीवी न्यूज़ के लिए संजय रावत की रिपोर्ट। मनीष कुमार है जी नाम फाजिलका तो। यह बेरोज़गार रुजगार की मंग नूं लैके चढ़े ने जो अज मुंडा चढ़िया, क्योंकि असी 4.5 साल तो यह संघर्ष कर रहे हैं। सिक्ख्या मंत्री वजिंदर सिंगला जी दे शहर दे विच बेरोज़गार 4.5 साल तो बैठे ने, 8 महीने तो सिक्ख्या मंत्री जी कोठी के गेट के अगे बैठे ने, पर सिक्ख्या मंत्री जी वालों कोई भी सार नहीं ली गई हैगी। ज असी बहुत बार मीटिंगा करियां, हर बार मीटिंग लारा हुंदी आ, बेसिट्टा साबित हुंदी आ, पर साडा कोई भी हल नहीं किया जाता, जिस दे कारण अज रुजगार नूं लैके इह मुंडा टैंकी दे उपर बैठे आ। सरकारां तो अक्या होया सताया होया नौजवान आ, जो कि एक अज रखड़ी दे त्यौहार ते कह लो भी किसी भैन दा वीर टैंकी ते बैठे आ। उहदी सिर्फ गलती इह है कि उहने पढ़िया लिखिया अनेक डिग्रियां ने रोज़गार की मंग नू लैके चढ़िया, क्योंकि इस दे जिम्मेवार बिल्कुल सिक्ख्या मंत्री वजिंदर सिंगला जी ने, जिन्होंने बी एड टैट पास का 4.5 साल तो कोई भी हल नहीं किया। असी अनेक मीटिंगा करियां ने, हर जगह असी जाने, जिथे भी समागम दे विच ओह जांदे ने हर जगह असी जाके घेरदे आ, पर साडे नाल गल करन दी बजाए सानू गड्डियां दे विच चाढ़ के गंदियां गालां कढ के ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਜੀ। बिल्कुल जी, साथी जिहड़ा हैगा गा वह टैंकी दे उपर चढ़िया, पर वह टैंकी दे उपर चढ़िया नहीं, उन्हें चढ़ाया गया किहदे वल्लों, जिहड़ी इह नलायक सरकार आ, सिक्ख्या मंत्री आ, इन्हां दीआं गलत नीतियां करके वह टैंकी दे चढ़िया। क्योंकि पिछले समय दे विच अनेक विषयां दीआं पोस्टां ने जिहड़ियां वह आईआं ने गीआं, पर SST हिंदी पंजाबी दीआं इक भी पोस्ट आ जिहड़ी वह नहीं आई। ये जिहड़ा नौजवान आ वह SST हिंदी पंजाबी नूं बिलोंग करदा, ये सब्जेक्ट की कोई पोस्ट नहीं, इस करके वह टैंकी दे जिहड़ा टैंकी दा राह उहने अपनाया गा। तां असीं यही कहना चाहुंदे आ कि भी आने वाले समय दे विच इक सरकार ने वड्डी गिणती दे विच इन्हां सब्जेक्टां दीआं पोस्टां दा इश्तिहार ना जारी किया, तां पंजाब सरकार नूं आने वाले समय दे विच इस तों भी तिखे एक्शनां दा सामना करना पऊगा। बेरोज़गार टैट पास हैगा स्टूडेंट, यह भी जवान टैंकी से चढ़ गया सी, असीं इत्थे मौके ते पहुँच गए, इहदे नाल राबता बनाउण दी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वो साडे नाल कोई गलबात नहीं कर रहा, ते असीं उहदे नाल राबता कायम करके जो भी इन्हां दी मीटिंग आ जां होर उह सीनियर अफसरां नाल गल करके इन्हां दा हल कराया जाऊ। Thank you.
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਸੇਵੀਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਬਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9814695511 7880-88765 ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੇਵੀਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਬਰੋਡ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ।